नंबर 15th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. इट सेज द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल. अगर आपको याद हो बच्चे, मैंने इसका शॉर्टकट आपको कराया हुआ है. हाँ भाई, वो क्या कह रहे हैं कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9. क्वेश्चन नंबर 15. हाँ जी, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितना कह रहा है 19, एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल स्मॉल आर से 9. ये कह रहे हैं. फिर वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कोई एक ऐसा सर्कल निकालो विच इज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ दीज टू. मतलब ये कोई दो सर्कल थे, इनके सर्कमफ्रेंसेस को ऐड करके एक बड़ा सर्कल बना. तो मैंने याद है सर्कमफ्रेंस और रेडियस में रिलेशन क्या बताया था, कि जो इसका रेडियस होगा वो इनके रेडियस का सम होगा. याद है कि नहीं याद है, बोलो. पर ये तो था शॉर्टकट ट्रिक, ये तो था. इसको मैं R1 R2 कह देता हूं. हाँ जी, ये था शॉर्टकट ट्रिक जो MCQs में लगा रहा है. मैं अभी आंसर बता दूं इसका. नॉट इज 19 plus 9, इसका आंसर 28 है. रेडियस सर्कमफ्रेंस के दौरान एज इट इज ऐड कर दो, क्योंकि 2π 2π कटने वाला है. ठीक है, पर इसको पेपर में सब्जेक्टिव में प्रेजेंट कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, वो क्या कह रहे हैं. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इस एक सर्कल का रेडियस निकालो, इस सर्कल का रेडियस निकालो जो कि इन दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मिलकर बना. मतलब लेट्स सपोज इसका सर्कमफ्रेंस 10 है और इसका 20 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 30. इन दोनों को ऐड करके. मैंने जिस दिन आप एब्सेंट थे बेटे, मैंने उस दिन एक चीज कराई थी कि जब भी सर्कमफ्रेंसेस की एडिशन से एक सर्कल बने, मैंने उसका सर्कमफ्रेंस उसके बराबर हो, तो रेडियस का भी प्रोपोर्शन ऐसे ही चलता है. मतलब रेडियस को भी ऐड कर दो, उसका फाइनल रेडियस आ जाएगा. मतलब आपके सामने इसका आंसर 28 आना चाहिए, और मैं वो अभी प्रूफ करने जा रहा हूं. पर सब्जेक्टिव में आपको दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आप सीधा आंसर निकालो. वो मेरे वो जो 58 की मिनट्स की वीडियोस में है कि भाई देखो एक में ही ट्रिक सारे. सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल. हाँ जी, हाँ, तो रेडियस रिलेशन किसमें खेल रहा है, सर्कमफ्रेंस में. फॉर्मूला तो सर्कमफ्रेंस का ना, रेडियस इज अ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड सर्कमफ्रेंस इज डिपेंडेंट अपॉन रेडियस. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr. इसका फॉर्मूला 2πr1 और इसका फॉर्मूला 2πr2. 2πr इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, 2π. यस सच में, इधर से क्या आया R1 और उधर से क्या आया, क्या 2π 2π कटा, बोलिए. तो R किसके बराबर आ गया बेटा, R1 प्लस. मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि भाई ये आंसर डायरेक्ट होता है. तो R विच इज माय रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 19 plus 9, सो R कम्स आउट टू बी 28 centimeter. दैट इज माय आंसर. तो इसका शॉर्टकट याद क्या रखना है, अगर सर्कमफ्रेंसेस को ऐड करके कोई सर्कल बन रहा है, उसका सर्कमफ्रेंस बन रहा है, तो उनके रेडियस को ऐड करके बड़े का रेडियस बनेगा. इज दैट ओके, करिए नोट.